तुक्कू सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया गया था। गुरुवार को लंबे समय के बाद एक बार फिर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के ताले प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनुपम ठाकुर को प्रदेश सरकार द्वारा यहां पर ओएसडी नियुक्त किया गया है। एसआईटी की तरफ से रिकॉर्ड मांगे जाने के बाद सरकार से अनुमति मिलने पर ओएसडी ने आयोग के कुछ कर्मचारियों को साथ लेकर रिकॉर्ड को खंगाला है। बताया जा रहा है कि इस रिकॉर्ड को जल्द ही एसआईटी को सौंपा जाएगा। बीते कुछ दिनों से रिकॉर्ड ना होने की वजह से कई भर्ती परीक्षा में जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिससे लंबे समय बाद आयोग के ताले खोले गए है और अब जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वीरवार को ओएसडी अनुपम ठाकुर की मौजूदगी में आयोग के ताले खोले गए और घंटों तक यहां पर रिकॉर्ड को खंगाला गया। इस दौरान आयोग में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग जो है वो 21 फरवरी 2023 को भंग हो चुका है। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग के द्वार जो थे वो बंद थे, लेकिन विजिलेंस को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे से सूचनाएं मांगी गई हैं उन सब कार्यों के लिए मुझे विशेष कार्यकारी अधिकारी ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं हूं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार अनुपम ठाकुर एचएएस और मुझे अतिरिक्त कार्यभार जो है वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो पूर्व मैं था जो अब भंग हो चुका है, तो मैं भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश चयन कर्मचारी चयन आयोग का ओएसडी, तो आज हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। हमारा जो पर्पज है उसके अंदर जाने का वो है विजिलेंस को रिकॉर्ड प्रदान करना और साथ में हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसको उनके द्वारा जो मांगी गई सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का निर्माण करना और जो भी जो भंग हुआ कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा जो भी पत्राचार हिमाचल सरकार से होगा उसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी रहेगी। और आज मेरे साथ जो है वो यहाँ पर हमारे कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार हमीरपुर जो आज विशेष ड्यूटी के ऊपर हैं, माननीय उपायुक्त महोदय जो हमीरपुर के हैं उन्होंने इनकी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगाई है।